अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अर्थात सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक भगवान बता रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं कि सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं। और देखा जाए तो ये सत्य है। वैसे भी भगवान जो कुछ कहते हैं वो सत्य है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि सारे जीव जन्म से पूर्व अव्यक्त रहते हैं, अर्थात सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, मन बुद्धि अहंकार से बने शरीर में रहते हैं। और कितने ही ऐसे जीव हमारे आमने सामने घूमते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता। और जो जीव हमारे बीच जन्म लेकर के आता है, हमारे बच्चे, हमें ये नहीं पता होता कि पिछले जन्म में वो क्या थे, किस शरीर में थे। वो अव्यक्त हैं हमारी आंखों से, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन फिर वो व्यक्त हो जाते हैं, वो जन्म ले लेते हैं, वो भौतिक शरीर में आ जाते हैं, वो हमें दिखने लगते हैं। तो हमें लगता है कि हाँ हमारा बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन आपका बच्चा आज पैदा नहीं हुआ है, वो तो शाश्वत है। आज उसने ये वाली देह धारण की है, नई देह, लेकिन इससे पहले तो वो करोड़ों 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 बार देह परिवर्तित कर चुका है, हमेशा से देह परिवर्तित कर रहा है और आज उसको ये नई देह मिली है। तो जीवात्मा जन्म के बाद व्यक्त होती है, अर्थात जन्म के बाद स्थूल शरीर में प्रकट होकर के आपकी नजरों के सामने आते हैं। ये एक एग्जाम्पल के द्वारा, एक उदाहरण के द्वारा आप समझने का प्रयास कीजिए। जैसे गर्मी के दिनों में सार्वजनिक प्याऊ पर कई कई लोग जमा हो जाते हैं पानी पीने के लिए, सब इकट्ठे हो जाते हैं और कई बार उनमें कुछ बातचीत भी चलती है, भाई हाँ कैसे हो, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, ये सब बात भी चलती है। लेकिन पानी पीते ही सब अपनी अपनी दिशाओं में चले जाते हैं। तो जब वो पानी पीने के लिए एकत्र हुए, तभी तो वो जन्म नहीं ले रहे थे, उन्होंने जन्म बहुत पहले ही ले लिया था, वो तो आए वहां पानी पीने के लिए थे, उससे पहले वो अव्यक्त थे, यानी एक दूसरे को उनकी मौजूदगी का पता नहीं था। फिर जब वो पानी पीने के लिए आए तो सबने एक दूसरे को देखा, और जब वो पानी पी करके चले गए तो वो फिर से अव्यक्त हो गए, फिर से गायब हो गए। इसी प्रकार से जीवात्मा पहले अव्यक्त थी, सूक्ष्म शरीर में थी, फिर भौतिक शरीर धारण करती है, और जब भौतिक शरीर त्यागती है तो फिर सूक्ष्म शरीर में चली जाती है, जब तक कि उसे नया भौतिक शरीर न मिल जाए। यहाँ श्रील प्रभुपाद एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं, उदाहरण देते हैं एक गगनचुंबी इमारत का। श्रील प्रभुपाद बताते हैं, अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है, पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं, यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट है, जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वो अदृश्य हो जाता है और अंततः परमाणु रूप में बना रहता है, शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु काल क्रम में वस्तुएं प्रकट और अप्रकट होती रहती हैं, अंतर इतना ही है। तो सब कोई बने रहते हैं, जीवात्माएं बनी रहती हैं, लेकिन प्रकट और अप्रकट होती रहती हैं। तो भगवान यहाँ फिर से बताते हैं कि जिन लोगों को तुम जानते हो हे अर्जुन, जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, तुम्हारे जानने से पहले भी वो मौजूद थे, लेकिन तुम उन्हें नहीं जानते थे, वो अव्यक्त थे, वो इस शरीर में जब आए और जब तुमने जन्म लिया तब तुमने उन्हें जाना, वो व्यक्त हुए तुम्हारे, और अभी जब वो शरीर को छोड़कर चले जाएंगे, चाहे तुम मारो तो चले जाएंगे, चाहे कालक्रम में स्वयं ही चले जाएं, शरीर ही उन्हें छोड़ दे, तो भी वो अव्यक्त हो जाएंगे। तो इसमें शोक करने की क्या आवश्यकता है? ये तो जीवन का नियम है, ये संसार का नियम है, ये विधि का विधान है।